ये बात है साल 2016 की, जब इंडियन क्रिकेट टीम वर्ल्ड टेस्ट क्रिकेट में प्राइम में चल रही थी, पर अब उनका मुकाबला वर्ल्ड की सबसे स्ट्रांग टीम कहलाने वाली टीम इंग्लैंड से होने वाला था। इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया ये उस टाइम में अपने आप में बेस्ट मैच मानी जाती थी। इंग्लैंड को हराना किसी भी टीम के अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 2016 इंग्लैंड टूर ऑफ इंडिया टेस्ट सीरीज 5 मैच की टेस्ट सीरीज थी, जिसमें से फर्स्ट मैच खेला गया राजकोट में। ये मैच में दोनों टीम ने 500 रन बनाए, पर लास्ट में मैच ड्रॉ से खत्म हुआ। सेकंड मैच खेला गया विशाखापट्टनम में, जिस मैच में इंडिया जीत गई और सीरीज में 1-0 की मजबूत लीड ले गई। ये मैच में विराट कोहली ने सेंचुरी लगाई और अश्विन के 10 विकेट हॉल के बदौलत ये मैच इंडिया जीत गई। थर्ड टेस्ट मैच मोहाली में था और ये मैच भी इंडिया 8 विकेट से जीत गई। ये मैच में भी रविचंद्रन अश्विन के मिस्ट्री स्पिन के सामने इंग्लैंड के बल्लेबाज बार बार चकमा खा रहे थे। फोर्थ टेस्ट मैच मुंबई में था, जो कि काफी क्लासिक मैच साबित हुआ। अब क्लासिक इसलिए क्योंकि ये मैच इंडिया फिर से जीत गई थी और ये मैच इंडिया बड़े मार्जिन से 1 इनिंग एंड 36 रन से जीत गई थी, जिसमें कोहली और जयंत यादव ने 231 रन की पार्टनरशिप की थी। और फाइनली 3-0 की मजबूत लीड लेने के बाद इंडिया फाइनल 5th टेस्ट में पहुंच गई थी। 5th टेस्ट की फर्स्ट इनिंग में इंग्लैंड ने 477 रन बनाए, जिसमें मोइन अली की शानदार सेंचुरी और जो रूट और जॉनी बेंस्ट्रो की हाफ सेंचुरी हमें दिखी। शानदार 477 रन बनाकर फुल कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लैंड टीम बॉलिंग करने उतरती है। ओपनर पार्थिव पटेल ने मानो इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस लूज कर दिया था, क्योंकि इन्होंने ओपनिंग में आकर 71 रन की शानदार इनिंग खेली और उनके साथ इस बार ओपनिंग के लिए केएल राहुल आए थे। केएल राहुल 2016 में उस वक्त प्राइम में चल रहे थे। ये इनिंग में केएल राहुल ने 199 रन की शानदार पारी खेली और लेग स्पिनर आदिल रशीद की खराब वाइड बॉल पर ड्राइव लगाने में केएल राहुल आउट हो गए। उस वक्त टीम का स्कोर 372/3 था और 102 ओवर्स हो गए थे। केएल राहुल ने इसके बाद इंटरव्यू में कहा कि वो इस बात से काफ़ी अपसेट थे और यहाँ तक कि उन्होंने अपने आप को एक रूम में लॉक कर दिया था और फिर काफ़ी गुस्सा थे। और केएल राहुल जब जा रहे थे तो उस वक्त नॉन स्ट्राइकर एंड पे करुण नायर 69 रन पर नॉट आउट थे। करुण नायर ने इंग्लैंड के बॉलर की बहुत पिटाई की और टेस्ट क्रिकेट में अपनी फर्स्ट सेंचुरी लगाई, लेकिन सेंचुरी लगाने के बाद भी वो ना रुके और 32 फोर्स और 4 सिक्स के बदौलत करुण नायर 303 पर नॉट आउट बने रहे। ये 303 रन सिर्फ 381 बॉल्स में आए, जिसमें इन्होंने 10 घंटे बैटिंग की। और ब्रेंडम मकरम और स्विमसन के बाद वो एक लौते ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने अपने मेडन सेंचुरी पर ट्रिपल सेंचुरी लगाई। वीरेंद्र सहवाग के बाद भी वो एक ऐसे खिलाड़ी बने जिन्होंने इंडिया के लिए ट्रिपल सेंचुरी लगाई। ये इनिंग के बाद भी विराट कोहली काफी खुश थे और अगले इंटरव्यू में विराट कोहली ने करुण नायर की काफी तारीफ की, लेकिन किसको पता था 300 लगाने वाला बंदा आगे ड्रॉप होने वाला है। करुण नायर को इंडियन क्रिकेट टीम ने सिर्फ रहाणे के रिप्लेसमेंट में यूज किया। दरअसल अजिंक्य रहाणे ये इंग्लैंड सीरीज से जस्ट पहले इंजर्ड हो गए थे और फिर करुण नायर को इंडियन क्रिकेट टीम में मिडल ऑर्डर में खेलने का मौका मिला और उन्होंने ये ट्रिपल सेंचुरी लगाई। फिर इसके बाद बांग्लादेश सीरीज में रहाणे की वापसी हो गई। रहाणे उस टाइम के वाइस कैप्टन थे। रही करुण नायर को इंडियन क्रिकेट टीम के स्क्वाड में रखा गया, लेकिन उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिल पाई। ये सीरीज में एक भी मैच नहीं खेलने के बाद करुण नायर को ऑस्ट्रेलिया सीरीज में जगह मिली और वो सीरीज में उन्होंने 26-0, 23-5 ऐसे रन किए। सिर्फ 2 ही टेस्ट मैच खेलने के बाद करुण नायर फिर से ड्रॉप हो गए। इसके बाद वेस्ट इंडीज सीरीज हुई, जिसमें करुण नायर को भी वेस्ट इंडीज सीरीज में प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिली। करुण को इसके बाद इंडिया ए का कैप्टन घोषित किया और रणजी ट्रॉफी में भी करुण नायर ने 7 मैच में 612 रन किए। और फिर सिलेक्टर ने ये तक कह दिया कि उनका फॉर्म ही नहीं है। कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि नेट्स में करुण नायर ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, इसके लिए इंडियन क्रिकेट टीम से उन्हें ड्रॉप किया। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, करुण नायर का एवरेज धीरे धीरे कम होने लगा और उनका फिर रणजी ट्रॉफी में एवरेज सिर्फ 24/26 का रहा। 2016 के बाद से ये आईपीएल में काफी टीम्स का हिस्सा रहे, जैसे कि 2016-17 में दिल्ली डेयरडेविल्स, 2018-19-20 में ये किंग्स इलेवन पंजाब का हिस्सा रहे और 2021 में कोलकाता नाइट राइडर्स और फिर राजस्थान रॉयल्स का ये हिस्सा रहे हैं। और टेस्ट मैच की बात करें तो इन्होंने सिर्फ 6 ही टेस्ट मैच इंडिया के लिए खेले हैं, जिसमें से 374 रन इन्होंने किए, 1 सेंचुरी और 1 हाफ सेंचुरी इन्होंने जड़ी है। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, फिर हनुमा विहारी ने इनकी जगह ले ली। और जब सिलेक्शन की बात आती तो सिलेक्शन कम्युनिटी ये कहती है कि हनुमा विहारी की बॉलिंग उन्हें करुण नायर से आगे रखती है। और फिर 2022 के बाद से लेकर अभी तक हनुमा विहारी भी ड्रॉप हो गए, पर करुण नायर की वो 303 की इनिंग पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को याद रहेंगी और खास करके इंडियन क्रिकेट टीम को, क्योंकि ये इनिंग के बाद नरेंद्र मोदी ने तक इनके नाम पे ट्वीट डाला था, जो कि किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर सच में पसंद आया तो इस वीडियो को एक थम्स अप दे दो प्लीज, और करुण नायर के इस अंडररेटेड परफॉर्मेंस के लिए कमेंट में एक हार्ट दे देना।
तो मैं यूके मिलूंगा आपको किसी और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को फाइंड कर। तब तक के लिए गुड बाय।